तो हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मोड इन GTA 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ओपन आईवी, तो उसके बाद में नेटिव यूआई, फिर स्क्रिप्ट टू फाइव, फिर स्क्रिप्ट टू फाइव डॉट नेट। फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेन्यू, तो आपको ये सब फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। और फिर आपको सबसे पहले अपना GTA 5 का मेन डायरेक्टरी ओपन करना, और यहाँ पे दो फोल्डर क्रिएट करना है अपने को। आपको मोड्स और स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, मोड्स फोल्डर और स्क्रिप्ट फोल्डर, याद रखना। मोड्स फोल्डर में अपडेट नाम का फोल्डर कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर चुका है इसलिए मुझे ऐसा आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं आएगा, आप पेस्ट कर देना वहाँ पे। फिर आपको ओपन आईवी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओपन आईवी इंस्टॉल कर देना, मैंने इंस्टॉल कर चुका है इसलिए मैं वापस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, तो आप इंस्टॉल कर लेना आप उसको, बहुत इजी प्रोसेस है। वहाँ पे उसको विंडोज पे क्लिक करना, ऐसा इंटरफेस आएगा स्टार्टिंग। टूल्स में जाना, ASI मैनेजर, ये तीनों भी फाइल इंस्टॉल कर देना, और ये एडिट मोड पे हमेशा ऑन करना, एडिट मोड, इससे आप कौन से भी फाइल भी उसमें एडिट कर सकते हो। फिर आपको ये नेटिव UI इंस्टॉल करना है, तो आपको GTA 5 की मेन डायरेक्ट GTA 5 में मोड्स फोल्डर, स्क्रिप्ट फोल्डर में यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट टू फाइव ये आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। और स्क्रिप्ट टू फाइव डॉट नेट, ASI और DLL करके तीन फाइल है, ये आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। और मेन्यू करके एक फाइल है, मेन्यू स्टफ और मेन्यू ASI, ये दोनों आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। फिर अपने को ये इंस्टॉल करना है, एक बाइक है, आप कौन सा भी मोड इंस्टॉल कर सकते हो। ये कॉपी करके मोड्स फोल्डर में अपडेट करके एक फोल्डर अपने कॉपी किया था, X64 DLC पैक, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना हो। और अभी आपको ओपन करना है ओपन आईवी, ओपन आईवी में जाना है आपको मोड्स फोल्डर में, मोड्स फोल्डर में अपडेट, अपडेट डॉट RPF, कॉमन डाटा, DLC लिस्ट करके एक फाइल रहेगा, इसको राइट क्लिक करके एडिट मोड पे क्लिक करना, एडिट क्लिक करना, आपका एडिट मोड में होना गरजे का है, नहीं तो उसकी वजह से नहीं होगा नहीं है। यहाँ पे आपको लास्ट वाली लाइन है वो सेम कॉपी करनी है, और एंटर प्रेस करके नीचे सेम लाइन पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो भी कार बीर का जो नाम है वो RC वीरसी हो कुछ भी, वहाँ पे सेम पेस्ट कर देना और सेव कर देना। बस ये आपका गेम अभी मोड हो चुका है, तो अभी आपको देखना है सिर्फ गेम में ऑन करके कि गेम अपना वर्क कर रहा है कि नहीं, गेम मोड हो चुका है कि नहीं। चलिए ओपन करते हैं गेम। तो गाइस ये देखो, मैंने एक ग्राफिक मोड डाला है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं ग्राफिक कैसा इंस्टॉल किया मैंने।
न्यू ग्राफिक्स है, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। आरसी टाइप कर देना, आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से नए नए GTA के मोड के स्क्रिप्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।